फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसके घर आए हैं आप लोग, ब्लेस करके बताइएगा जरूर। ब्लेस करिए और फिर बताइएगा। और ये हम लोग बना रहे हैं, अभी पूजा होगी तो उसी के लिए है, पूजा के पंजीरी, लिए पंजीरी पंजीरी और रोट बना रहे हैं पूजा के लिए। तो फिर आगे दिखाएंगे आप लोगों को, पूजा भी शेयर करेंगे, पूजा भी शेयर करेंगे। अभी हम लोग बस नहा के आए हैं और रेडी, मतलब पूजा की तैयारी कर रहे हैं, उसी का मतलब भोग के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए आप कुछ बोलिए, तो आप लोग देखते जाइए और नया नया लग रहा होगा ना आप लोगों को कि ये कहाँ आ गई ना। नया नया देख करके और जरूर बताइएगा कहाँ हूँ मैं, वैसे पहचान जाएंगे आप, है ना। कुछ लोग तो जानते भी होंगे। हाँ, तो ये पूरी और निकालू क्या मैं? पूरी और निकालू बच्चों के लिए, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो ना निकालू ये सब? नहीं, हो गया। बंद कर दू गैस पे? गैस को बंद कर दी। आटे को? आटे को पता है ये आटा इतना बच गया है, बाद में बनेगा। फिर ये कर दीजिए मेरा, ठीक है। और क्या चाहिए? ठंड है बट देखिए मैं ऐसे हूँ, मुझे नहीं लगती है ठंड, इनको लगती है। इनको भी लगती है पर ये पहन नहीं रही हैं। बिल्कुल मुझे ठंड नहीं लगती इनको, इनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इनको इनको तो मालूम है ठंड, गर्मी के सीजन में भी ठंड लगती है, मई में मई में स्वेटर पहनती है। क्या कर भाई, ठंडी ज्यादा लगती। और जब ये मई में स्वेटर पहने रहेंगी तब आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी, अगर मैं रही तुरंत, मतलब बना के तुरंत शेयर करेंगे ना, कि ये महीना चल रहा है और ये स्वेटर पहनी है, क्या पूरा महीना डेट सब सब आपके साथ शेयर करेंगे। सही बात, इनको बहुत बहुत ठंड लगती है। और आप लोग कैसे हैं? और पंजीरी और आपके साथ पूजा भी शेयर करेंगे हम लोग, तो इसकी हम सत्यनारायण की कथा है शायद ना, सत्यनारायण की। मंदिर है यहाँ बजरंगबली। अच्छा, बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे कथा सुनाना है इन्होंने, मतलब कर रखी थी तो हम लोग को सुनाएंगे, तो वही। और मैं कैसी लग रही थी बताइएगा कमेंट करके। हाँ, पंजीरी कहाँ पे रख दूँ? और ये रोट भी उसी में रख दूँ क्या, कि अलग से रखूँ? पेपर, हाँ पेपर में ही रखी हूँ ना मैं। अच्छा, इसमें और कुछ मिलाना है क्या पंजीरी में? तो ये तैयारी कर रहे थे पूजा की और पूड़ियाँ बना रही थी मैं, रोट और पंजीरी बन रही थी, रेडी हो रही थी, मॉर्निंग का टाइम था।
पहुंच गए थे हम मंदिर। ये हनुमान जी का एक मंदिर है और वहाँ पहुंच गए थे हम लोग सभी कोई मिल कर के। ये मेरी मम्मी है और नंदोई भी थे साथ में। और बीच में आपको भी छोटे बच्चे की आवाज़ आएगी, आप लोग इंजॉय करिएगा उस आवाज़ को। तरह तरह की आवाज़ें आएंगी आपको। और ये ले रहे थे हम नारियल, वैसे घर से सब लेके आए थे तो नारियल कच्चा सब ले रहे थे, नारियल वगैरह ले करके। और प्रसाद तो देखिए लड्डू देख के आपको खाने का मन करे तो बताना आप लोग। और मास्क, और ये पूरा एरिया है बाहर से ही मंदिर के बाहर का पूरा। और यहाँ मतलब एक चीज़ ऐसी थी जो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन नहीं कर रहे थे, यहाँ लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते। लेकिन हम लोग तो घर से निकले थे तो हम लोगों ने लगा के रखा था, बट जब सबको देखा कोई नहीं तो फिर हम लोगों ने भी लास्ट में निकाल लिया था कि चलो जब सबको कुछ होगा तो हमको भी होगा फिर। और यहाँ पे हम लोग सूल वगैरह लिए, सूल वगैरह ले रहे थे और पूजा के लिए थोड़ा बहुत जो भी। और ये पंडित जी साथ साथ में चल रहे थे, उनको लग रहा था कहीं ये लोग कहीं और ना चले जाएं दूसरे के पास। तो सब फुल एंजॉय करिएगा आप लोग। और ये फूल वगैरह लेकर के रेडी हो गए थे निकलेंगे हम लोग। और ये देखिए शोम में दादा खड़े हैं हमारे, शोम में दादा और फूल लेकर के निकल चले थे आगे। और अब हमको लेना था पान तो आगे वाले था। और मंदिर में एंटर कर रहे थे हम लोग। और ये मंदिर में एंटर होते ही, और वैसे जब हम लोग पहुँचे थे मंदिर तो क्या वो पट बंद हो गए थे, पर्दा लग गया था भगवान का। लेकिन फिर भी हम लोगों ने साइड से दिख रहे थे तो हम लोगों ने दर्शन किए थे। और हम लोग ये मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे थे, दो रावण से परिक्रमा लगाए हम लोगों ने। बस परिक्रमा लगाने के बाद कुछ मुझे पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, स्क्रीन स्क्रीन भी चल रही थी। और परिक्रमा लगाने के बाद जब हम लोग पूजा पाने के बाद पूजा पाएंगे एंजॉय करिएगा। तो लख लिया
और